गाइस आजकल जो टाइम है ना वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि यार कोई भी जो बंदा है ना वो यार खुद के ऊपर भी टाइम नहीं देना चाहता। मतलब अगर जो बंदे ना वो हैंडसम दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो अच्छे दिखना चाहते हैं भाई, वो चाहते हैं भाई वो तुरंत चीजें हो जाए, हमें ना वेट ना करना पड़े। मतलब वो कैसे होगा साहिल भाई, वो चीज हमें बताओ और कुछ ऐसी टिप्स दो ना जो हमारे फेस के ऊपर ना इंस्टेंटली वर्क करे और जिससे हम इंस्टेंटली काफी हैंडसम बन जाए, हमारा जो फेस है वो काफी हॉट दिखाई दे, लड़कियां देख के हमें पागल हो जाए और हम उन्हें ना मिले तो वो जहर खा ले। ज्यादा हो गया। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वेज जो आपको ना इंस्टेंटली रिजल्ट देंगे, जो आपका फेस है वो इंस्टेंटली काफी ग्लोइंग बन जाएगा और आप पहले से दिखने में काफी अच्छे लगने वाले अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हो। तो हम बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, फेशियल योगा। भाई मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, साहिल भाई मेरे जो फेस है वो यार वो काफी चबीस है, मेरे जो फेस है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसमें ना काफी ब्लोटिंग सी है या फिर वो गोल मोल सा दिखाई देता है और मतलब अजीब सा जो हमारा फेस है ना वो दिखाई देता है, तो हम उसको मॉडल्स की तरह स्ट्रक्चर्ड में कैसे बनाएं और उसको शार्प कैसे बनाएं। कई सारे मॉडल्स को तुमने देखा होगा उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी शार्प होता है। जस्ट वो किस वजह से होता है, क्योंकि यार वो एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपरली करते हैं और वो अपना फेशियल योगा करते हैं। अब तुम बोलोगे भाई फिर जो फेशियल योगा है ना उसका जो रिजल्ट है बहुत टाइम बाद मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ चीजें मैं तुमको बताऊंगा जिससे जो फेशियल योगा करने के बाद फर्स्ट टाइम पे तुमको अपने स्किन पर ना रिजल्ट दिखाई देगा, अपने फेस को इंप्रूव होता देखोगे और तुम बोलोगे हाँ भाई यार मतलब फर्क तो दिखा है। जस्ट उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ना आजकल बहुत सारी फेशियल योगा एप्स वगैरह आती है, जैसे फेस योगी करके ऐसी ऐप हो गई, वो सारी ऐप मिल जाती है जिसमें तुम्हें ना लाइव वीडियो के थ्रू जो फेशियल एक्सरसाइज है ना वो करके दिखाते हैं, फेशियल योगा करके दिखाते हैं और वो तुम्हें करना होता है वीडियो को देख देख के उनके साथ साथ। अगर तुम ये चीज करते हो ना तो यार जैसे इससे होता क्या है कि तुम्हारे जो फेस की जितनी मसल्स होती है ना वो स्ट्रेच होती है और जिससे कि तुम्हें कोई इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है कि यार हमारी जो स्किन होती है वो कितना टाइट हो चुकी है और अब वो ना पहले से काफी शार्प और वो काफी स्ट्रक्चर लग रही है। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अपने प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च कर सकते हो। नंबर सेकंड, चूजिंग राइट फेस वॉश। अब यार यहाँ पर ना एक अच्छा जो फेस वॉश है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी स्किन को हेल्दी क्लीन एंड ग्लोइंग बना के रखने के लिए। अब यहाँ पर ना मेरे से बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि साहिल भाई बाकी फेस वॉश तो गए भाड़ में, आप जो फेस वॉश यूज करते हो वो हमें बताओ, हमें वो यूज करना है। तो एक्चुअली यार मेरी जो फेस वॉश है ना वो हमेशा सेम नहीं रहता, वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब यार जैसे इस टाइम में ना गर्मियां वगैरह आ चुकी है और गर्मियों में ना मेरे फेस पर ऑयल वगैरह काफी आता है, अब यार जैसे इस ऑयल को ना मेरे को इंस्टेंट अपने फेस पर से रिमूव करना होता है। अब जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर फेस वॉश यूज करता हूँ वो है, बता दूं पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, कर दिया, चलो अब बता देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर यूज करता हूँ मुस्टैच का ओशन फेस वॉश, इसमें लाइगोराइस एक्सट्रैक्ट मिल जाता है जो मेरी स्किन को काफी ब्राइट और ग्लोइंग बना के रखता है। और यू नो गाइस ये जो फेस वॉश है ना वो स्पेशली बनाया गया है मेंस के लिए और इस टाइम पे समर्स भी आ चुकी है, तो ये जो फेस वॉश है ना वो सुपर कूल एंड रिफ्रेशिंग है बिकॉज ऑफ मेंथोल, और जस्ट इसी वजह से जो फेस वॉश है ना भाई वो मेरा फेवरेट बन चुका है। और इसमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है जो हेल्प करता है पिंपल्स को रिमूव करने में और साथ साथ पिंपल से प्रिवेंट भी करता है और ये स्वेट भी नहीं आने देता। और गाइस ये जो फेस वॉश है ना यार वो सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, आप इसकी ना फ्लिपकार्ट पे रेटिंग चेक कर सकते हो, इसकी 1.5 लाख से भी ज्यादा की रेटिंग है। मतलब समझ सकते हो कि लोग कितना पागल है इस प्रोडक्ट के पीछे। जस्ट जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश अप्लाई करते हो वैसे इसको आपको अप्लाई करना है और ये आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो और फ्रेशनेस देता है। इस फेस वॉश में ना वो सारी चीजें जो कि मैन की स्किन को चाहिए होती है, तो यार एक बार यूज करो और रिजल्ट वगैरह देखो, मतलब ट्रस्ट मी ऑन नॉट तुम काफी खुश हो जाने वाले हो और तुम बोलोगे साहिल मतलब यार गर्मियों के लिए ना रामबाण तरीका बता दिया हमारे फेस के ऊपर से ऑयल वगैरह रिमूव करने के लिए और स्किन को ना ग्लोइंग बना के रखने के लिए इस समर्स के अंदर भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी जाओ बाय करो, थैंक्स मी लेटर। नंबर थर्ड, ग्वाशा। अगर ग्वाशा का ना तुमने नाम नहीं सुना होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंडिंग वगैरह चल रहा है, मतलब जो स्किन केयर में ना ये काफी ट्रेंड पे चल रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम जानते नहीं यार ग्वाशा क्या होता है तो चलो मैं बता देता हूँ। ग्वाशा जैसा ना एक टूल है जो आपकी स्किन को ना हेल्दी बना के रखने में हेल्प करता है, मतलब एक पत्थर के जैसा होता है, जैसा नहीं मतलब होता पत्थर ही है। अगर तुम इसको अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हो तो आपकी स्किन के ऊपर ना ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और आपके प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन को काफी इंप्रूव करता है, आपके फेस मसल्स को रिलैक्स करता है और जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो ना उसकी जो पावर है वो काफी बढ़ जाती है और इससे आपको जो फेस है ना वो काफी स्ट्रक्चर्ड में भी लगता है। अगर तुमने अभी तक ये बाय नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, अपनी स्किन केयर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट तुम मिस कर रहे हो, इसको भी तुम बाय कर सकते हो और अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी जो स्किन होती है ना वो काफी ग्लोइंग और काफी हेल्दी रहने वाली है। नंबर फोर्थ, यूज फेशियल हेयर पोमेड। अब यार हमारे ना जो बियर्ड वगैरह होते हैं ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फेस को ना अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखाने के लिए। अगर तुम्हारी बियर्ड वगैरह है तो अगर तुम्हारी बियर्ड है ना वो बिल्कुल शेप में नहीं होगी या फिर अजीब सी दिख रही होगी अगर तुम बड़ी बियर्ड वगैरह रखते हो तो भाई इससे हमारी पर्सनैलिटी पर काफी बैड इंप्रेशन पड़ता है। बट अगर वही जो हमारी बियर्ड है वो अच्छी दिख रही होगी, शेप में दिख रही होगी और वो काफी स्टाइल होगी तो इससे भी हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो अच्छा वाला इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर तुम्हें करना क्या है कि अगर तुम्हारी जो बियर्ड है वो लॉन्ग है तो उस टाइम पर जैसे तुम यूज करते हो हेयर पोमेड और अपनी बियर्ड को सेट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो और जिससे क्या होता है कि तुम्हारी जो बियर्ड होती है ना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने वाली, वो काफी स्टाइल रहने वाली है। जैसे तुम पोमेड लगा के अपने हेयर स्टाइल कर दो ना वैसे ही पोमेड लगा के तुम अपने बियर्ड स्टाइल भी कर सकते हो जिससे तुम्हारी जो बियर्ड होती है वो काफी शार्प दिखाई देने वाली है और कोई भी लड़की देख के बोलेगी वाओ कितना हैंडसम बंदा है, और मतलब वो तुमसे नंबर मांगने आएगी लेकिन तुम भाव खाना।
नंबर फिफ्थ, फिक्स योर फेशियल हेयर। अब यार आपकी जो फेशियल हेयर वगैरह होती है, आपकी बियर्ड आईब्रोज वगैरह, इन सबको आपको फिक्स करना है। बहुत सारे बंदों की ये चीज़ जो है ना वो सही नहीं होती। अगर तुम्हारी पैची बियर्ड वगैरह आती है, मतलब कहीं पर आपकी जो बियर्ड है ना प्रॉपर नहीं ग्रोथ कर पाती, तो उस टाइम पे तुम बियर्ड फिलर पेन जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारी जो बियर्ड होती है वो फिल हो जाती है और तुम्हारी जो बियर्ड होती है ना वो दिखने में काफी फुलर लगती है। या फिर तुम्हारे बियर्ड पे कहीं पे भी व्हाइट हेयर वगैरह है तो मेक श्योर उसको कलर वगैरह करवाओ, बिल्कुल भी अच्छे लगते व्हाइट हेयर आपकी बियर्ड के ऊपर। और अपने फेशियल हेयर को ट्रिम करके रखो, उसको स्टाइल करके रखो। अगर तुम सिर्फ अपने फेशियल हेयर फिक्स कर लेते हो, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रख दो ना, तो भाई आपका जो फेस लुक है ना वो इंस्टेंटली काफी अट्रैक्टिव हो जाने वाला है और तुम ना दिखने में एक हॉट पर्सन दिखाई देने वाले हो। तो अगर तुम जंगलियों की तरह मतलब बियर्ड वगैरह ग्रोथ कर रहे हो या फिर तुम्हारे जो आईब्रोज वगैरह वो वेल मेंटेन नहीं है, मेक श्योर इस चीज को फिक्स करो। और अपना जो हेयर स्टाइल है ना वो भी प्रॉपर मेंटेन रखो, अपना जो हेयर कट है ना वो प्रॉपर रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा जो ओवरऑल फेस है वो इंस्टेंटली काफी अट्रैक्टिव बनने वाला है। नंबर सिक्स, टिंटेड सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। अब इन गर्मियों में ना धड़ाधड़ जो मॉइस्चराइजर या फिर जो सनस्क्रीन वगैरह वो चलने वाली है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यार धूप में निकलते ना तुम्हारी जो स्किन होती है थोड़ी सी डल सी दिखाई देती है। उसके लिए हम क्या करें, अगर तुम नॉर्मल सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हो तो वहाँ जो सनस्क्रीन होती है ना सिर्फ हमारे स्किन को ना प्रोटेक्ट रख पाती है, बट यहाँ पर टिंटेड सनस्क्रीन या फिर जो मॉइस्चराइजर वगैरह का काम ये होता है कि तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट तो करते ही है, मॉइस्चराइज रखते ही है, लेकिन साथ ही साथ ना वो आपकी स्किन को ना ग्लोइंग भी बनाते हैं। टिंटेड मतलब क्या होता है कि जो मतलब जैसे फाउंडेशन वगैरह होता है ना, जैसे तुम फाउंडेशन वगैरह अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो फाउंडेशन लगाते हो तुम्हारा जो फेस है वो काफी ग्लोइंग बन जाता है, तो जस्ट वैसे जो टिंटेड सनस्क्रीन या फिर जो मॉइस्चराइजर वो वर्क करती है। जैसे तुम अपने फेस के ऊपर उसको लगाओगे ना तो यार वैसे तो पता नहीं चलता कि तुमने कोई फाउंडेशन वगैरह लगा रखा है, वो काफी नेचुरल लगता है, लेकिन जो तुम्हारी स्किन होती है ना वो काफी ग्लोइंग बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टिंटेड टेक्सचर। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन है वो हो जाती है और आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज भी रहती है। अगर तुम सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करना चाहते हो इन गर्मियों में तो मेक श्योर टिंटेड सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर यूज करो, जिससे तुम्हारी स्किन होती है वो काफी ग्लोइंग रहने वाली है। दैट्स ऑल, आई होप जो वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा और वीडियो को थोड़ी वैल्यूएबल लगी तो यार मेक श्योर वीडियो लाइक करना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो यार ऐसे कंटेंट में तुम्हारे लिए लेके आता रहता हूँ, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन उस पर टैप कर लो, जल्दी से आगे मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारे बकचोदी करते हैं, काफी मजा आता है। हम लिए एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय।